आम के इंतखाबात आखिरी मरहले में हैं। आज हुबली के जो स्टेज प्रोग्राम थे, जो बड़े प्रोग्राम थे, आज उसका आखिरी दिन है। कल डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। इस वक्त हमारे साथ मज़हर खान साहब और अनवर मुदौल साहब, इनकी टीम है, जो इन्होंने शायद अब तक चेयरमैन नहीं बने, पहली बार चेयरमैन बनने की उसमें आए हैं और इनको खुला मैदान मिला है, क्योंकि बाकी तीन पार्टियाँ कई बार जो इकतदार पर आई हैं, लगातार आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और तीनों पार्टियों को निशाना लगाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अब तक आप चेयरमैन नहीं बने जी। एंटी इनकम्बेंसी मेरे साथ नहीं है, उन लोगों के साथ है, और मैं जो कह रहा हूँ वो हकीकत है, मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। वरना 120 साल का इदारा इस हालत में नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि धारवाड़ में तमाम लोग मिलकर यूनानिमसली इलेक्शन किए, जिससे एक अच्छा माहौल, एक अच्छा पैगाम गया, हुबली में नहीं हो पाया। नहीं देखिए, इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यूनानिमस होना कोई ज़रूरी बात नहीं है। इलेक्शन इसलिए होते हैं कि तमाम लोग मिल करके 10 टीम होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 भी हुए तो 18 तारीख के बाद ये खौम है। अब 4 टीम है, एक प्रोसेस है, होता है। इसको और धारवाड़ को आप कंपेयर नहीं कर सकते, दिस इज़ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वहाँ पे इंडिविजुअल प्रोसेस है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। क्या लग रहा है आपको, सबसे अहम मुद्दे क्या हैं, आप अगर इख्तदार में आते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट डेवलपमेंट का ही मुद्दा है हमारा। दूसरा जो है, क्वालिटी एजुकेशन हम लोग देना चाहेंगे। डेवलपमेंट में हॉस्पिटल को बहुत कुछ डेवलप करना है, और जो हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम डेवलप करके करना चाहते हैं। दूसरा, एजुकेशन जो है पूरा ख़त्म हो चुका है, इसका मियार 0 आ गया है, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट इज लेस देन 10-15 ऐसा आ गया है। तो ज़रूरी है कि एजुकेशन पर हम लोग तवज्जो देंगे, एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, और ये चाहते हैं कि ये कौम का हर बच्चा पढ़ के कुछ बने। ऐसा नहीं कि वो उसके वालिद साहब अगर कारपेंटर है वो कारपेंटर बन रहा है, यही हालात चलते आ रहे हैं यहाँ पे। अब तक क्या है, पॉलिटिकल एजेंडा था सदर का, ये हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा है टू गिव अ बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़, क्वालिटी एजुकेशन, और हॉस्पिटल में बेटर मेडिकल सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइस। अच्छा, इलेक्शन के आखिरी मरहले में एक चमत्कार हो गया है, जो बच्चों के नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा था कि जो भी जीत के आएंगे उनको छुड़ाएंगे, वो जो है एकदम से चमत्कार हो गया, तमाम 106 लोगों को बेल मिल चुकी है, इससे इलेक्शन को कितना इफेक्ट होगा? देखिए, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। सोनूर साहब मई करा कर बमड़े मार रहे हैं, जबकि पूरी कमेटी मिलकर खौम करी है, उन्होंने तो 8 महीने आए भी नहीं। इंडसगिरी साहब मुझे बनाओ मैं छुड़ा लेकर आता हूँ, मेरा रसूख है, 2 साल से कैप करे नहीं। अब गदक्कर साहब मुझे दो, मुझे सदर बनाओ, और मैं जो है फीस भरता हूँ वकीला के। एक सौदेबाजी और एक कौम को डराने की बात चल रही थी, मेरा रब का लाख लाख शुक्र है, इन दोनों के तीनों के एजेंडा जो थे वो ख़त्म हो गए। मेरा एजेंडा है पहले से भी एजुकेशन डेवलपमेंट, हम अपने एजेंडा पे कायम है, अब उनका एजेंडा ख़त्म हुआ, अब क्या करते हैं देखना। उन अशरफ अली साहब का कहना है कि उनके पीरियड में 40% रिजल्ट था, अभी सिर्फ 15% के आसपास रुक गया है, आप क्या कहें? देखिए, 40% नहीं था, 31-29 ऐसा था जब ये थे अशरफ अली साहब, 10 साल रहे ये, और इनकी बहुत चलती थी, इम्प्रूव नहीं करे, जो करना था नहीं करे। जब अपनी कॉलेज की बात है, पर्सनल है, 3 साल में इसको इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचाए, फिर ये कहीं नहीं करे, इन्होंने पैसे थे, करोड़ों के पैसे हैं हमारे पास, इन्होंने पैसे ले जाकर ऑडिटोरियम बनाते हैं, वो पैसे ले जाकर हॉल बनाते हैं जो आज तक खाली पड़ा है, कंप्यूटर चोरी कर ले जाता है इन्होंने लोगों। लेकिन ये सारे चीज़ों की इंक्वायरी करे कमेटी बनाए थे, आप ही इंक्वायरी करते, एफ आई आर क्यों नहीं किया? अब तो सदर की अपर रहता, उन्होंने सदर को चोर कहते हैं, सदर इनको चोर कहता, ये कौम में क्या हो गया, मजाक हो गया। हुन्नली साहब थे, उन्होंने सोनूर को चोर कहते थे, सोनूर साहब अशरफ अली को चोर कहते हैं। जब तहकीकत हुई, अशरफ अली साहब भी 25 लाख रुपए का इनका घपला निकला, और 1 करोड़ रुपए एक ऐसी जगह खर्च करे जो आज भी खाली पड़ी है, शेड है, 30 कंप्यूटर गायब हुए पॉलिटेक्निक से, आज तक काम हिसाब नहीं, 22 लाख रुपए के कंप्यूटर, समझे नहीं। और सोनूर साहब का तो रिकॉर्ड है, पिछले बार हारे के बाद दूसरे दिन इन्होंने मेरे के बने तक उन्होंने 32 लाख रुपए ले गए।
कहाँ लेके गए? अरे बैंक से, अंजुमन के बैंक से कार्ड को ले गए। प्रूफ है आपके पास? हाँ तो कार्डे तो प्रूफ था हमारे पास, इन्होंने पूछे नहीं, इन्होंने इसको चोर करते रहे, इन्होंने इसको चोर करते रहे। अगर हमको अगर मौका मिलता है तो ये पूरा जो है हम वक्फ बोर्ड के ऑडिटर को बिठा के ऑडिट कराएंगे। दूध का दूध पानी का पानी एक बार होना है, करोड़ों का हिसाब है। अब देखो इतना पैसा ख़त्म हो गया, इलेक्शन कराने को पैसा नहीं कर बोलते इन्हों। हर साल हमारा बजट 10 करोड़ का है, कहाँ गए पैसे? मनमानी है, उन्हें भी मनमानी करे। जैसे ही उन्नड़ी साहब बीमार हुए, 3.5 करोड़ रुपए खर्च को उन्होंने मनमानी कर गए, इन्हों अब इन्हों मनमानी करे 5 साल। आपके आपके सामने साबिक वजीर ए एम इंडसगिरी साहब की टीम है, सोनूर साहब की टीम है जो मौजूदा जो है उनका इकतदार है, साथ ही अशरफ अली की क़्यादत में भी वनडली की टीम है, क्या कहें? देखिए गदक्कर साहब अशरफ अली के डमी हैं, सोनूर साहब इनकम्पिटेंट है, उनका पूरी कौम को मालूम पड़ा, पूरी कौम बेजार आ गई कि भाई ये आदमी काबिल नहीं है। तीसरा इंडस्ट्री साहब, हम लोग गए इनके पास, हम लोग चाह रहे थे मैं भी अनवर भाई कि ये सरपरस्ती करे इनकी उम्र के हिसाब से और राज्यसभा ऐसा कुछ तो कर ले, हम लोग साथ देने का भी वादा करे। अब पता नहीं अचानक ये कहाँ से इनको आया ख्याल। जो आदमी सोनूर की सरपरस्ती करे, सदरों का सदर सोनूर साहब को ख़त्म कर को आया, अब इनका सदर बन को बैठा। अब इनका कुछ लोगों का कहना है कि एक सीनियर आदमी है, एक मशहूर आदमी है, सीनियर आदमी है, उनको एक मौका देना चाहिए था, तमाम लोग मिलकर एक कमेटी बनाते। ठीक है, इस कौम ने इनको 2 बार MLA बनाया, इस कौम ने इनको 2 बार MLC बनाया, इस कौम ने इनको 2 बार मिनिस्टर बनाया, इस कौम ने इनको 2 बार अंजुमन इस्लाम का सदर बनाया, इस कौम ने इनको 2 बार कारपोरेटर बनाया। ये तमाम चीज़ें ये कौम के कोटे में सिले, इन्हों खुद MLC की सीट छोड़ गए कि कौम की थी वो अमानत छोड़ गए। जब हुबली सिटी का MLA हुनली साहब था, उसमें जाकर इन्हें दखल अंदाजी करे, वो सीट गई। इन्हों जो नुकसान करे इस कौम को उसका कोई सानी नहीं है। सोनूर साहब तो कह रहे हैं कि उनका काम बहुत अच्छा रहा है, कोविड की वजह से उन्हें बहुत कंस्ट्रक्शन का काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कोविड में बहुत मदद की इन्होंने। देखो इन्हों भाग को गए डर को, इन्हों इनको अल्लाह ताला एक मौका दिया, इतना अच्छा मौका और किसी को नहीं मिला। इन्हों करना था खिदमत खल्क के, अगर सीनियर चाहे रहते तो इन्हों करते थे, इन्हों नहीं करे। अगर करे रहते तो इनकी हालत नहीं हुई रहती थी। इन्हों क्या करे, डरे पहली बात, दूसरी बात इनका अपना एक एजेंडा है, इन्हों को ये एक फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन सेंटर बना, इन्हों समझे नहीं, पिछले 18 महीने से इन्हों हिसाब नहीं थे, GB में हिसाब पूछे तो भाग को जाता है इन्हों। और ऐसे ऐसे अमेंडमेंट लाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नॉमिनेशन को 10,000 रुपये है, इन्हों अंजुमन इस्लाम के ऑफिस बेयर को 3 लाख रुपए देते हैं इन्हों। तो इन्हों नौजवानों के खिलाफ है इन्हों, ये नहीं चाहते कि सेकेंड लाइन थर्ड लाइन हमारी आए, इसलिए बहुत कोशिश करें इन्हों। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, ये फिर बैलाज वर्ल्ड कायम रहे, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का एक स्टैंड रहा जमीर अहमद खान साहब का कि मैं इलेक्शन कराता हूँ 52 पे ही कराए, हमारा जो डिमांड थी उसको मान करके कराए। अभी बच्चों को जो छोड़े हैं क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? ये कौम का मामला है। देखिए अंजुमन इस्लाम का सदर का काम है, फ़र्ज है, इन्होंने इकले चने करे, पहले भी हुए हैं ऐसे हादसात, सदर का फ़र्ज है, कोई एहसान नहीं है। मगर इन्हों क्या करे, 8 महीने मीटिंग नहीं बुलाए, रिलीफ कमेटी नहीं बनाए। 8 महीने के बाद मैं इन्हों और अल्ताफ हल्लूर 3 जने मिलकर एक लेटर दिया अंजुमन इस्लाम को, तुम्हें अगर मीटिंग नहीं बुलाते और ये मैटर को डिस्कस नहीं करते तो अंजुमन इस्लाम के पुराने जो ये थे बायलॉज, उसमें एक हमको इख्तियार था कि अगर रूलिंग पार्टी 21 डेज में नहीं बुलाती तो हम बुला सकते थे। अब उसको भी बदल है इन्हों, पहले 25 लोग काफ़ी थे, अब 250 करें, समझे नहीं। तो हमारे वो बात को डर को इन्हों मीटिंग बुलाए जब एक कमेटी बनी,
पूरी कौम बैठी, तभी प्लाट गणेशपेट के नौजवाना एक प्रपोजल लेकर आए, हम 20 नौजवाना 20 लाख रुपए दे दूंगा कमिटमेंट करे, 10 लाख रुपए लाख पहुँचाए। इन्हों ये प्रपोजल देते ही प्रसाद जो MLA थे प्रसाद भाया, उन्होंने 30 लाख दे दूंगा। इसमें प्रसाद साहब का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने बार बार बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब इन्हों क्या बोल रहे हैं, पैसे बड़ी बात नहीं होती काम करना। बेंगलुरु में जमीर अहमद खान परसों दिए जमानत के पैसे, निसार अहमद जब्बार, नसीर अहमद जब्बार, अभी भी 50-60 लाख का खर्चा है, है तो ये भी फिर देना है ना। इन्हों पूरे पैसे खाली कर रहे हैं, तो अब इलेक्शन को पैसे नहीं गए, कल पूरे लग जाते इन्हों। बिल्कुल, अब अनवर मदौर साहब भी हमारे साथ हैं, आप कई बार अंजुमन के पोजीशन में रहे हैं, मुंडली साहब के साथ भी काम करें, इंडेस गिरी साहब के साथ भी काम करें, ये मजहर खान साहब के साथ जाने का कैसे आपका प्लान बना? देखो, मैं और मजहर खान साहब इदारे की सोच में रहे, बहुत पुराना इदारा है, ये इदारे को खिदमत करने का एक ही मकसद था हमारा, क्योंकि बच्चों का सवाल था, एजुकेशन का सवाल था, हालात का सवाल था। आज कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चे हमारे पूरे LKG से लेकर हायर स्टडी तक जाना, उन्हों कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम होना, हमारे बच्चे भी UPSC एग्ज़ाम में फिर होना, KS एग्ज़ाम में फिर होना, CET में क्लियर होना, गवर्नमेंट में उनको अच्छे एजुकेशन, उनको एडमिशन मिलना, अवाम के बारे में, अवाम के साथ हमें मिलजुल को काम करना, इदारे की मजबूत करना, कि नहीं कि दोनों की सोच थी, दोनों मिल गए। क्या अगर जीत कर आते हैं तो पहला काम क्या होगा? पहला हमें अंजुमन में जो क्या खाली उधर कमी महसूस हो रही है, बच्चों के हालात को इदारे के पूरा जायज़ा करके हमें वो इदारे सुधारने की कोशिश करते हैं। ये हुबली की जो दरगाह थी भैरीदेव कप की दरगाह गिरने के बाद में, दोबारा बनाने के लिए किसी की कोशिश नहीं रही, अभी तक दरगाह नहीं बनी है, इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन इलेक्शन में उसका जिक्र नहीं है। देखिए, वो दरगाह गिराते वक्त बेलगाम में सब गए थे, हमें भी दरगाह का जो एक्विजिशन था वो पूरा जब कोशिश करे थे, हमें भी गए थे, बेंगलोर इब्राहिम साहब थे, इंडस्ट्री साहब थे और अंजुमन में, गिरने के बाद बनाना चाहिए था, ग्रांट 5 करोड़ देने का वादा हुआ वो देखिए, दरगाह की सरपरस्ती पिछले 15 साल से इंडस्ट्री साहब कर रहे हैं। अब दरगाह शहीद हुए एक बात भी उन्हें छोड़ने के तैयार नहीं, ना किसी को करने देते ना आपे खुद करते, ये इनका एक तरीका है, इनको किसको आने देते नहीं। इस दौरान जो है CM 2-3 बार हुबली आ चुके हैं, गवर्नमेंट बन के 11 महीने होने वाला है, 5 करोड़ रुपए बम्बई साहब देने के लिए तैयार थे, अब तक वो 5 करोड़ आए नहीं, गवर्नमेंट भी बदल गई, इस गवर्नमेंट का अब तक कोई पूछा भी नहीं। तो कैसा है, जो सरपरस्त रहता उन्हें पूछना है, ये वही बोल रहा हूँ मैं, इनको याद नहीं रहता इनकी उम्र के हिसाब से। नो देखो, करना था क्या नहीं तो कम से कम एक नवी कमेटी बनाना था, ना कमेटी नवी बनाते, ना कमेटी छोड़ते, ना एक यू नो एक इदारा नहीं बचा सके अपनी इस सरपरस्ती में, इतने पावर रख ले को, अब फिर अंजुमन जो कर खाते। अच्छा, आप ईदगाह मैदान में बहुत सालों से लड़ते हैं, पुराना केस जो था उस वक्त भी आप लड़े हैं, आप स्पीच में भी बता रहे थे, अभी हाल ही में जो ईदगाह मैदान में गणपति बिठाई गई, उस वक्त आपने क्या किया? देखिए, गणपति जब बैठी कॉरपोरेशन में थी जमीन, करेक्ट, यहाँ पे DCC को इन्वॉल्व करे, हमना कभी बुलाए नहीं लोग, दे ट्राई टू अवॉइड अस, और खुद अंजुमन इस्लाम के सदर को पीछे के दरवाजे से भेजे, इन्होंने कमेटी बनाए, कमेटी में पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व हुए, एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत MLA का इलेक्शन आ रहा कर को यू नो क्या करे, हमने पूछे भी नहीं, करे नहीं, इनके ये पॉलिटिकल लोग मिल करे से। सेकेंड टाइम आपकी गवर्नमेंट में भी हुआ है? हाँ, अभी जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई है उसमें भी हुआ, तो अब भी अब की बार भी वही है, जो DCC रहते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं यहाँ के, इनकी चलती इसमें, हमना इन्वॉल्व नहीं करते, इन्हों दूसरे टाइम पर बुलाते हैं, NRC में वो जो भी रहता है नहीं बुलाते हैं, मगर हमें DC जाके मिले, बोले उसको, मैं DC को खुद बोला, जब उनकी सरकार थी उन्होंने बिठाए, ये हमारी सरकार है, तुझे क्या भी ऑर्डर दिएगा, कोर्ट क्या बोला, बिठा कर बोला क्या, नहीं बोला, तू कहीं बिठा रहा, DC को पूछा मैं, कहीं बिठा नहीं साहब तुम्हें कर को, हमारी सरकार है नको, मगर पॉलिटिकल लीडर्स है, यू नो सब एडजस्ट, पॉलिटिक्स ऑफ एडजस्टमेंट करते हैं, वो हमें नहीं करते।
अच्छा, आप जो हैं एजुकेशन बोर्ड में हैं, आप वनरली साहब की टीम में थे, आप नाराज़ होकर रिज़ाइन करके आए थे, क्या वजह थी? वजह ये थी, जिस रफ्तार से मैं काम को आगे ले जा रहा था तो वहाँ मुझे जो है दिक्कत आ रही थी काम करने का। तो ये जो है मेरा काम करने का अंदाज़ अलग था। मैं जो है हर सुबह 7 बजे जाता था तो तकरीबन जो है 5-6 बजे तक हर स्कूल विजिट। कौन रोक रहे थे आप? तो दूसरे हमारे जो बोर्ड मेंबर्स थे वो जो है वो एक अलग अंदाज था उनका। वो खुल के बोलिए आप, क्या प्रॉब्लम था? खुल के बोलने का मतलब ये है, दूसरे जो बोर्ड मेंबर्स थे उसके अंदर जो है वो उनका जो है दखल अंदाजी ज़्यादा हो रही थी। मैं क्या करता था, SLC के बच्चों को नेहरू कॉलेज के लेक्चर्स लेकर पढ़ाता था, क्यों तो ये बच्चे वहाँ आगे आने वाले, तो मैं क्या बोलता था लेक्चरर्स को कि तुम्हें आपको SLC के बच्चों को तुम्हें ये करो ताकि हमारा स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो। कुछ बोर्ड मेंबर्स थे उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं। अच्छा, आप दोबारा जीतेंगे तो क्या करें? इंशाल्लाह तालीमी म्यार बढ़ाएंगे, माशी हालात सुधारेंगे, एजुकेशन का तुम्हारा हॉस्पिटल जो है उसको हाईटेक करेंगे। अच्छा, हमारे साथ आप भी एजुकेशन बोर्ड में हैं? जी, मैं सेक्रेटरी हूँ। बताएं क्या जिम्मेदारी, अगर जीत गए तो क्या करेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि मैं जिस पोस्ट पर हूँ वो पोस्ट जो है बड़ा अहमियत का हामिल है, सेक्रेटरी। और मेरे वालिद मरहूम अलहाज महबूब खान पाचापुर साहब ये 2 मरतबा अनवीन इस्लाम में सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो उसका उनकी तरबियत, उनकी परवरिश, उनकी दुआ मेरे साथ में है। और मैं जो भी मुझे यहाँ पर काम है, जैसा सालाना रिपोर्ट है, ये मंथली रिपोर्ट आती है, मेरे अबूजा लिखा करते थे, ये अनवीन इस्लाम की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि माहाना रिपोर्ट जो मीटिंग होती थी मुतवल्ली निगराम की, उस मीटिंग में जो मुतवल्ली अपनी राय देते थे वो हमारे अबू जान बैठ के लिखते थे कि फलाना एजेंडे पर फलाम मुतवल्ली ने ये राय दी, फलाम मुतवल्ली ने ये राय दी, तो ये तमाम मिनट्स लिख लेकर मेरे अबू जान हर माहाना रिपोर्ट में पूरे मुतवल्ली निगराम को मोहल्ला मोहल्ला पहुँचाते थे। एक नया सिस्टम शुरू हुआ तो तमाम लोगों में एक बेदारी पता हुई, तो बहुत सारे मुतवल्ली निगराम आकर मंथली मीटिंग बैठने लगे, तो वहाँ से काम बढ़ने लगे, हमारे तरक्की शुरू हुई। आप क्या करेंगे अगर जीत के? जी, मैं जो भी मेरा रोल है सेक्रेटरी का, जो जिम्मेदारी है मेरी, मैं अपने जो हमारे चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, जॉइंट सेक्रेटरी है, इनसे मशवरा करूंगा, मशवरा करके जो भी काम करना है बाकायदा और कर करूंगा। अच्छा, आप सोनूर साहब के टीम में थे, क्या वजह है कि आप उनकी टीम छोड़कर आए? क्या नहीं, अभी बोले देखिए, आंखों के सामने देखिए, दरगाह शहीद हुई, मस्जिद शहीद हुई और गणपति बैठी है, ये सभी देखा नहीं गया मुझे। और मैं कितने बार इनके साथ, मैं हर एक बार कोर्ट को कचहरी जाते रहा, लेकिन ये हमारे क्या भी सुनते नहीं रहे। इनकी टीम ही पहली है, मुझे बोलते थे कि बाहर से आई, तुम बाहर से, तो ये मुझे बेजारी हो के मैं खामोश था। मदर भाई बोले मेरे टीम में जुड़ जाओ तुम, क्योंकि उन्होंने देखे मेरा काम क्या कर सकते, मालूम है तुम ना भी, मैं एजुकेशन में कितना इंप्रूवमेंट करने के लिए कोशिश करता हूँ। और ख़ास करके ये बारे में कि हम क्या भी हमारे मदर साथ आए गए, तो एजुकेशन के लिए मैं बहुत इंप्रूव करूँगा और क्वालिटी एजुकेशन लाऊँगा। आखिरी कमेंट कीजिए साहब, आपने वोटर को क्या कहें? मैं वोटर से गुजारिश करता हूँ कि एक मौका हमें भी दीजिए, एक बेहतर तालीम याफ्ता टीम लेकर के आया हूँ, बेहतर तजुर्बा कार है, भरोसेमंद है, और हमारे टीम में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग है ही नहीं, साफ़ सुथरी टीम है। एक ऑप्शन दिया हूँ मैं इस कौम को, क्योंकि जब भी मैं पिछले 2 साल से जा रहा था सभी लोग कहते थे ये पढ़े लिखे लोगों को लेके आओ बोलते, मैं उन मेरी कौम की ही हिदायत पे टीम पेश किया हूँ। मुझे उम्मीद है और यकीन है इस बार, पिछले बार मैं चंद वोटों से हारा था, इस बार इंशाल्लाह अगर उनकी दुआ मुझे साथ रही तो मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे मज़हर खान साहब, और ये आखिरी टीम थी, यानी 4 ग्रुप इस वक्त बने हैं, देखना होगा। इलेक्शन के कैंपेनिंग का भी आखिरी मरहला है, स्टेज प्रोग्राम आज से ख़त्म है, परसों इलेक्शन होने वाला है, यानी बहुत ही कम वक्त बचा है इलेक्शन के लिए, देखना होगा इन 4 ग्रुपों में कौन कामयाब होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन इस बार का देखने को मिल रहा है, देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से रिजल्ट आता है और फिर किस तरह से अंजुमन इस्लाम की एक नई तारीख लिख के जाती है।